I'm sorry that I didn't hit you back when you called my line. Who did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running, I'm running, I'm running away. I'm running away, running away. I'm looking, I'm looking, I'm looking for space. Look at my space, look at my space. I'm healing, I'm healing from all of the pain. All of the pain. चैनल पे हम एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। आज आपसे जो है लॉट का बिज़नेस एक मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं ये इस हवाले से बताएंगे कि इस बिज़नेस में कौन कौन से आइटम्स ये मंगवाते हैं और कहां से ये मंगवाए जाते हैं और साथ साथ आप इनके साथ मिलकर ऑनलाइन बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। सर सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाएँ। जी मेरा नाम मोहम्मद आज़म इकबाल है। ठीक है आज़म साहब, ये बताएँ कि सबसे पहले तो आप कौन कौन से आइटम्स यहाँ पर मंगवाते हैं और क्या क्या चीज़ें सेल करते हैं? मुख्तलिफ आइटम है, तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है। यहाँ पे बच्चों के टॉयज वगैरह होते हैं, जेंट्स में टी शर्ट हैं, शर्ट्स हैं, लेडीज़ पर्स होते हैं हमारे पास, स्कूल बैग, सफरी बैग, तकरीबन लाट का जो माल है वो सारी आइटम्स हैं। गरम माल में कंबल वगैरह का इरादा है, कोट हो गए हैं, जैकेट्स हो गई हैं, तो उसका भी इंशाल्लाह वो अच्छा है। ये सुनने में आया कि ये मतलब एक लमसम इसकी अमाउंट तय हो जाती है और ये फिर बुक हो जाता है, तो ये बात सच है या फिर चीज़ें देख के अलग अलग बुकिंग होती है? नहीं जी ये गलत है। अच्छा। जहाँ से ये माल हमारा आता है कराची से, वहाँ पे वैरायटीज़ होती हैं, कंपनीज होती हैं, सस्ता भी होता है, अच्छा माल भी होता है। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी कंपनी का माल लेते हैं। बहुत सस्ता भी आपको मिल जाता है और अच्छी कंपनी का अच्छा माल महंगा भी होता है। ये क्या बाहर से इम्पोर्ट होता है माल, क्या चक्कर है, ये क्या चीज़ होती है? ये लॉट का माल है, ये बाहर से आता है मुख्तलिफ़ ममालिक से, लंदन से, अमेरिका से, जापान, कोरिया का माल बहुत अच्छा होता है, जापान का माल बहुत अच्छा होता है, मुख्तलिफ मुल्कों का माल होता है। अच्छा, ठीक तो वहाँ से आता है, यूज़ वो किया हुआ माल होता है। बिल्कुल थोड़ा सा वो यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन होता क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है, हमारे पाकिस्तानी क्वालिटी जो चल रहे हैं न्यू, उनसे तो बहुत बाहर होता है ये। अच्छा, ज़बरदस्त चीज़ होती है, बहुत ब्रांड, टोटल ब्रांड होते हैं, एडिडास, बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे होते हैं। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ पे अच्छा सेल भी होता है, लोगों को पता है इसके बारे में ना। ठीक है। अच्छे कस्टमर यहाँ पे हम। अच्छा, मैं आपके पास देख रहा हूँ बैग्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है, कितने से कितने प्राइस तक के बैग पड़े हैं? मुख्तलिफ़ है, हमारे पास जो एक स्कूल बैग है वो तकरीबन 700 रुपये का भी है और स्कूल बैग जो है वो 3000 रुपये का भी है। अच्छा, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। नई भी आती हैं चीज़ें या ये सारी पुरानी आपने रखी हैं? नहीं, ये लॉट का माल है, हम इसको नई नहीं कह सकते, लेकिन नई से बेहतर होती हैं हमारे हिसाब में देखा जाए तो। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी लॉट होती है, उसमें मुख्तलिफ़ ओवन वगैरह हैं, मशीनरीज वगैरह हैं। ठीक है। हर तरह की मशीनरी होती है और अच्छी और यानी कि चालू हालत में होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी रखे हैं जिनके हवाले से हमें बताएंगे भी सही, इनकी प्राइसेस भी शेयर करेंगे। सर ये काइंडली बताएं एक वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हैं? जी ये हमारा जो सबसे पहले है ये PTCL फ़ोन है। ठीक है। ठीक है जी, ये लंदन का है और पैक है, न्यू है बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, ये तकरीबन हम 500 रुपये का सेल करते हैं यहाँ पे। अच्छा, 500 का। ठीक है जी, ये जो एक है ये टोस्टर इसको कह लें, ये किचन का, ये कमर्शियल यूज़ के लिए भी रेस्टोरेंट वगैरह में है, ये चालू है बिल्कुल, ये तकरीबन 2500 का हम सेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद ये बच्चों के हेलमेट वगैरह, साइकिलिंग के लिए इनके जो पैड वगैरह होते हैं, मुकम्मल न्यू सेट होते हैं हमारे पास। ठीक है। मुकम्मल तो ये चीज़ें भी हैं और ये बड़ी मुनासिब हैं, तकरीबन 450-450 का हम इसका हेलमेट सेल करते हैं और इतने का इनका पूरा सेट हम सेल कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर ये हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक है चाय के लिए या जो भी है, ये सारी मशीनरी आती है, तकरीबन 800-900 रुपये की हम सेल करते हैं ये ना। अच्छा। और उसके बैग जो पड़ा हुआ है ये बच्चों का, ये जी ये बच्चों का बैग है, बच्चों के लिए, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, ये भी तकरीबन 300-350 का हम सेल करते हैं। इसके अलावा ये टेडी बेयर वगैरह या ये खिलौने चलने वाले होते हैं, ये तकरीबन 400-500 का सेल हम करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास इसकी वैरायटी भी होती है लैंप्स वगैरह की, ये भी तकरीबन हम 1500 का फाइनल सेल कर देते हैं, ये सब चालू है। उसके बाद ये फिर हमारा ड्रायर वगैरह हो गया, ये भी तकरीबन 2000 रुपये की हम चालू, ओके जर्मन मेड है, ये हम सेल करते हैं। इसके बाद हमारा ये देखें जी, ये हमारे शोपीस में ये निकलते हैं, ये क्रास है, पेवर तांबा है ये सारा, तो ये भी तकरीबन हमारे पास वैरायटी होती है।
ठीक है, और ये तकरीबन हम 4 से 5 हज़ार रुपये का सेल करते हैं, क्योंकि ये वजन बिल्कुल बिल्कुल हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक वराइटीज होती है। देख रहा हूँ मैं आपके पास इसकी जी, क्या जी प्राइस है? तकरीबन 4 हज़ार रुपये का है, चालू रनिंग है, बिल्कुल रनिंग। आप देख सकते हैं अभी मार्केट माइक्रोवेव ओवन की जो मार्केट में मेरे ख्याल में मिनिमम प्राइस है 15 हज़ार के राउंड अबाउट शुरू हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बाहर का इंपोर्टेड आप इंपोर्टेड है, बिल्कुल 4 हज़ार रुपये का ये मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये इस तरह की चीज़ें डॉक्टर वगैरह के लिए होती हैं, कोई हड्डी पे जोड़ वगैरह लग जाए, ठीक है जी, हड्डियों के लिए। तो ये जिसकी हम जैसे रेत या नमक भर के टिकोर करते थे, हड्डी वगैरह या गोश्त फट जाए, तो ये हमारी जर्मन आइटम है, ये उसको गर्माइश देने के लिए है, ठीक है जी। इसकी प्राइस हम 3500 रुपये इसकी फाइनल है। अच्छा 3500। हाँ जी, ये फाइनल 3500 की हम जो है ना। चलें जी, गुड हो गया जी। इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरह की वैरायटी, हर तरह के आइटम मौजूद हैं। आप इन पे इनके पास आएँ, विज़िट करें, देखें। अच्छा एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मिनिमम सबसे मिनिमम चीज़ कितने की अवेलेबल है? मुख्तलिफ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तकरीबन हम 400-500 की भी दे देते हैं, वो चीज़ का होता है क्योंकि लाट का माल है, इसमें हल्की चीज़ें भी निकलती हैं। 500 वाली चीज़ भी है? जी नहीं, वो तो बच्चों के टॉयज भी नहीं है आजकल। अच्छा। के दौर में 500 वाले जो है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 500 रुपए की यहाँ से मिल सके। छोटे टॉयज हैं, गाड़ियाँ हैं बच्चों की। क्या रेट्स हैं? ये देखें जी, ये है, ये घोड़ा है, अच्छी क्वालिटी का घोड़ा है, ये तकरीबन हम 700-800 का सेल करते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 200-250 का हम सेल कर देते हैं। ये फिर वो छोटे आइटम हैं जो 100-150 रुपये की, ये गाड़ियाँ मेटल की गाड़ियाँ होती हैं इस तरह की, ठीक है जी। ये इस तरह की, ये बच्चों के लिए ये भी हमारे पास होती हैं, ये जो 150 वाली आपको कह रहे थे वो आइटम्स हैं। अच्छा 150 के आइटम भी मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाते। अच्छा ये जैसे माइक्रोवेव ओवन हमने रखा भी है सामने, ये वर्किंग कंडीशन में आप? बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। 4000 रुपये का? 4000 का फाइनल है ये। 4000 का फाइनल है वर्किंग कंडीशन में। अच्छा लास्ट में थोड़ा सा ये गाइड करें कि जो इस बिज़नेस में आना चाह रहा है तो वो किस तरह एंट्री मार सकता है इस बिज़नेस में, क्या तरीकाकार है? आपके साथ मिल के कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है? ऑनलाइन भी हो सकता है, यहाँ पे एक विज़िट ज़रूरी है, ठीक है। कहीं पे भी वो जाए जो ये काम कर रहे हैं, हम तो ये कराची से लेके आते हैं सामान सारा। अगर वो करना चाहते हैं या हमारे पास आएँ, अगर वो कराची से करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे उनको वहाँ पे भी भेज देंगे। काम अच्छा है, ठीक है, काम अच्छा है माशाल्लाह जी। कितने परसेंट आमदनी हो सकती है इसमें? तकरीबन है प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन है 30-35% है, आराम से निकाल लेते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। और कोई इनके साथ मिलके ऑनलाइन करना चाहता है, मिसाल के तौर पे कोई यहाँ से ले जाए, तस्वीरें लेकर लगा दे और आगे कस्टमर तलाश करके फिर यहाँ से उठा ले, ऐसे हमारे पास और काफ़ी ऐसे जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं हमारे पास से चीज़ें लेके जाते हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं, बैग्स वगैरह, तो वो ऑनलाइन पे डाल के वो बिज़नेस कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 लोग हैं हमारे पास जो आ रहे हैं, जो यहाँ से हमसे लेके आगे जाके सेल करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। लास्ट में सर अपनी लोकेशन गाइड कर दें और नंबर वगैरह बता दें ताकि कोई विज़िट करना चाहे या रब्ता करना चाहे। जी जी, लोकेशन ये जी मुल्तान में चुंगी नंबर 9 मेन पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है जी, चुंगी नंबर 9। और ये क्या कहते हैं, डिस्पोजिबल है, यहाँ पे नली पुलाव के बिल्कुल साथ हमारी शॉप है। और मोबाइल नंबर जो मेरा है 0300-9754-754, मोहम्मद आज़म इकबाल जी। इन्होंने अपना नंबर और लोकेशन गाइड कर दिया, मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर डाल दूंगा, आप जाके इनसे रब्ता कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो यहाँ पे पर्सनल विज़िट भी कर सकते हैं। उम्मीद है BBC चैनल पे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।